हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो क्राउन ज्वेल 2021 के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं और इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्राउन ज्वेल में कौन कौन से मैचेस फैंस को देखने मिलेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस साल किंग ऑफ द रिंग और क्वींस क्राउन टूर्नामेंट कौन से सुपरस्टार्स जीतने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो रेटेड सुपरस्टार एज और मंडे नाइट मिसाइल सेथ रॉलिंग्स का रीमैच हो रहा है क्राउन ज्वेल पेपरव्यू में, और जैसा आपको इस हफ्ते का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने के बाद ये पता लग गया होगा कि सेथ और एज ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि ये दोनों हेल इन अ सेल के अंदर एक दूसरे की आत्मा को इंजर्ट करने वाले हैं। इसलिए इतना कंफर्म है कि सेथ रॉलिंग्स और एज के मैच में बहुत ही मजा आने वाला है, और क्योंकि ये हेल इन अ सेल मैच है इसलिए इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी और बिना हेल इन अ सेल पेपरव्यू के फैंस को हेल इन अ सेल मैच देखने मिलेगा। और इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है कि एज जीतेंगे सेथ रॉलिंग्स को हराकर। वैसे आप लोग इस मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, मंडे नाइट में आया सेथ रॉलिंग्स को या फिर रेटेड आर सुपरस्टार एज को, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो चलिए अब बात करते हैं WWE चैंपियनशिप के मैच के बारे में जो कि होने जा रहा है WWE चैंपियन बिग ई और चैलेंजर द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के बीच में। और इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में आपने देखा होगा कि ड्रू मैकइंटायर ने क्लेमोर किक मार के बिग ई को डोमिनेट कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में बिग ई जीतेंगे क्योंकि ड्रू मैकइंटायर अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार बन गए हैं। इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि इस मैच में बिग ई जीतकर उनका WWE चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। तो समरस्लैम 2021 में बॉबी लैशली ने ना सिर्फ चीटिंग से बिल गोल्डबर्ग को हरा दिया था बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने गोल्डबर्ग के बेटे गेज को इंजर्ड कर दिया था हर्टलॉक सबमिशन देकर। और अब क्राउन ज्वेल 2021 में गोल्डबर्ग के पास अपॉर्चुनिटी है उनके बेटे का बदला लेने के लिए, क्योंकि लैशी और गोल्डबर्ग का मैच होने जा रहा है क्राउन ज्वेल पेपरव्यू में और ये मैच एक नो होल्ड्स बार्ड मैच है, यानी कि इस मैच में भी किसी भी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, फिर चाहे इस मैच में कोई इंटरफेयर क्यों ना करे। और जैसा हम लोग जानते हैं कि लैशी की मदद करने शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर आ सकते हैं, और इसलिए गोल्डबर्ग की भी मदद करने उनके बेटे गेज भी इंटरफेयर कर सकते हैं इस मैच में। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में गोल्डबर्ग जीतकर उनके बेटे का बदला ले लेंगे बॉबी लैशली से। वैसे आप लोग इस मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हो, बिल गोल्डबर्ग को या फिर बॉबी लैशली को, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो मंसूर और मुस्तफा अली की टीम कुछ टाइम से अच्छी चल रही थी, लेकिन इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में टैग टीम मैच हारने के बाद अली ने अटैक कर दिया मंसूर पर, लेकिन मंसूर फिर भी चाह रहे थे कि वो अली के साथ टीम अप करके वापस से रियूनाइट हो जाएं, लेकिन मुस्तफा अली ने बैकस्टेज में अटैक कर दिया मंसूर पर और उन्हें बहुत बुरी तरह मारा। और अली ने अब ये बोल दिया है कि वो क्राउन ज्वेल पेपरव्यू में मंसूर के होम टाउन में उन्हें एम्बैरेस करेंगे उन्हें हराकर। पर क्योंकि क्राउन ज्वेल पेपरव्यू मंसूर के होम टाउन में हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मंसूर हरा देंगे मुस्तफा अली को इस मैच में जीतकर। और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच होने जा रहा है चैंपियन बेकी लिंच और चैलेंजर्स साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर के बीच में, और अगर देखा जाए तो इस मैच में सबसे ज्यादा चांसेस बेकी लिंच के जीतने के हैं, क्योंकि साशा बैंक्स अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की सुपरस्टार बन गई हैं और बेकी लिंच इसी हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एक सिंगल्स मैच हारी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि क्राउन ज्वेल पेपरव्यू में बेकी लिंच किसी तरह इन दोनों को हराकर उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगी। और क्राउन ज्वेल पेपरव्यू में रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो फेस करने जा रहे हैं एजे स्टाइल्स और उमास की टीम को टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में। और ये सुनने में आ रहे हैं कि एजे स्टाइल्स और उमास की टीम जल्दी टूटने वाली है, इसलिए इस मैच में मुझे लगता है कि आरके ब्रो टीम जीत जाएंगे और उसके बाद क्राउन ज्वेल में या फिर मंडे नाइट रॉ में एजे स्टाइल्स और उमास की टीम टूट भी सकती है। वैसे आप लोग इस टैग टीम मैच में किसे चीयर करोगे, टीम एजे स्टाइल्स और उमास को या फिर टीम आरके ब्रो को, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल्स में फिन बैलर पहुंच चुके हैं, और मुझे लगता है कि जेवियर वुड्स और जिंदर महल में से जिंदर महल किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल्स में जाएंगे, और क्योंकि जिंदर महल की मदद करने वीर और शैंकी भी रहेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि जिंदर महल इस साल किंग ऑफ द रिंग बन सकते हैं। और क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के फाइनल में ज़ेलिना वेगा पहुंच चुकी हैं, और अब फाइनल्स मैच में पहुंचने के लिए डू ड्रॉप का मैच होगा शाइना बेज़लर के साथ। और अगर शाइना ने हरा दिया डू ड्रॉप को तो फिर मुझे लगता है कि शाइना बेज़लर इस साल पहली बार क्वींस क्राउन टूर्नामेंट जीत जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं क्राउन ज्वेल 2021 के मेन इवेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन से भरे हुए मैच के बारे में, जो कि है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स। और ये मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो रहा है, और जैसा ब्रॉक हर हफ्ते हिंट दे रहे हैं कि पॉल हेमन अभी भी उनके साथ मिले हुए हैं, इसलिए इस मैच में देखने में ये मजा आएगा कि क्या पॉल हेमन सच में रोमन को धोखा देते हैं या फिर वो उनके पुराने एडवोकेट ब्रॉक लेसनर के साथ चीट कर देते हैं। वैसे अगर इस मैच में देखा जाए तो इन दोनों के बराबर के चांसेस हैं जीतने के, लेकिन रूमर्स
ये हैं कि इस मैच के बाद ब्रॉक लेसनर टाइम ऑफ लेंगे WWE से और वो फिर सीधा रॉयल रंबल 2022 में रिटर्न आएंगे। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप किसके टीम में हो, टीम रोमन रेंस या फिर टीम ब्रॉक लेसनर। और क्रॉन ज्वेल 2021 इंडिया में 21 अक्टूबर की रात 8:30 बजे से Sony 10.1 और Sony 10.3 पर देगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।